अस्सलामुअलैकुम। आज हम बना रहे रावस फिश फ्राई। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फिश हमने बहुत अच्छे से धो कर रखी है। एक नींबू का रस ऐड करेंगे। मसाले हम इसके अंदर ऐड करते जाएंगे, आपको दिखाते जाएंगे। तो पहले इसके अंदर हम नींबू का रस ऐड करेंगे। एक नींबू का रस ऐड करना है और बड़ा वाला नींबू है हमारा, पूरा ही ऐड करेंगे। वो झटपट बनकर तैयार हो जाती है और ये वाली फिश खाने में बहुत टेस्टी लगती है। अभी हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे टेस्ट के हिसाब से। नमक आप आपके हिसाब से ऐड कीजिएगा और 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। इस तरह से फुल भरकर आप देख सकते हो। मिर्च नमक आप आपके हिसाब से ले लीजिएगा और 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर। एक चम्मच धनिया पाउडर, तरह से 3 चम्मच फुल भरकर, देखिए इस तरह से। अभी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे मसालों को, हाथ से ही मिक्स करेंगे। एक एक पीस पकड़ पकड़ कर अच्छे से हम इसको मलना होता है, चम्मच से इतने अच्छे से नहीं हो पाता है। तो पहले हम इस तरह से इसको फैला लेंगे और बहुत अच्छे से हाथ से मिक्स कर देंगे। ये देख सकते हो आप, हाथ से अच्छे से इसको मिक्स करना है क्योंकि अंदर तक मसाला हमारा एब्जॉर्ब होना चाहिए फिश के अंदर। तो इस तरह से पकड़ पकड़ कर अच्छे से इसको मल लेंगे एक एक पीस को इस तरह से। इस तरह से तो आप देख सकते हो बहुत अच्छे से हमने इसको एक एक पीस इस तरह से उठा उठा कर अच्छे से मल लिया है, आप देख लीजिए अच्छे से। तो ये हमारी फिश 1 किलो है पूरी। अभी हम इसको ढक कर रख देंगे 20 मिनट। आपको इसको ज्यादा रखना हो तो आप ज्यादा टाइम तक भी रख सकते हो, तो बहुत अच्छे से ये मैरिनेट हो जाएगी। 20 मिनट, 30 मिनट, 25 मिनट, हम इसको 20 ही मिनट रख रहे हैं, तो 20 मिनट बाद दिखाएंगे आपको। तो आप देख सकते हो हमने इसको ढक कर रख दिया था, 20 मिनट हो चुके हैं। फिश हमारी बहुत अच्छे से मैरिनेट हो चुकी है, देख लीजिए आप। अभी हम इसको फ्राई कर लेंगे। देख सकते हो यहाँ पर हमने चावल का आटा लेकर रखा हुआ एक प्लेट में। तो आप चावल के आटे में नमक और लाल मिर्च पाउडर ऐड कर सकते हो, लेकिन हम नहीं करने वाले हैं। आपको करना हो तो आप कीजिए, क्योंकि हमने इसमें अच्छा सा ज़्यादा ही लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है, वो हिसाब से इसके अंदर हम नहीं ऐड करें। आपको करना हो तो आप कर सकते हो, और चावल के आटे की जगह पर आप रवा भी ले सकते हो, सूजी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो तवे के ऊपर हमने तेल गर्म होने के लिए रख दिया है और इस तरह से हमने चावल के आटे में फिश को डाल दिया है। अच्छे से इसको कोट कर लेना है। बहुत अच्छे से फिश हमारी मैरिनेट हो चुकी है 20 मिनट के अंदर। तो आप देख सकते हो बहुत अच्छे से हमने सभी हमारी फिश को कोट कर लिया है चावल के आटे में। अभी हम इसके ऊपर इस तरह से एक एक करके ऐड करते जाएंगे। तो फिश को हमारे 2 मिनट हो चुके हैं। 2 मिनट के बाद हम इसको इसकी साइड को चेंज कर रहे हैं, क्योंकि डालते से ही इसको नहीं चेंज करना है इसकी साइड को। 2 मिनट इसको अच्छे से एक साइड से होने दीजिए। तो आप देख सकते हो कितने अच्छे से ये हो चुकी है एक साइड से। अब इस वाली साइड को भी हम 2 मिनट अच्छे से होने देंगे। तो आप देख सकते हो 2 मिनट हो चुके हैं, देख लीजिए आप कितना प्यारा सा कलर आ चुका है। इस साइड से भी देख लीजिए आप, और इसका मसाला बिल्कुल भी फूटता नहीं है, ये भी देख सकते हो आप। आप हमारे तरीके से एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, ये देख सकते हो आप। बहुत अच्छे से फिश हमारी फ्राई हो चुकी है। अभी हम इसको निकाल कर दूसरे वाले तवे पे शिफ्ट करते जाएंगे, क्योंकि फिर बहुत क्रिस्पी बनकर तैयार हो जाएगी हमारी फिश। चावल के आटे में हमने फिश को कोट कर लिया है, ये ऐड कर देंगे।
और तेल जितना हमको चाहिए उतना ही हम यूज करते हैं, थोड़ा थोड़ा ऊपर से बाद में डालते जाते हैं और फिश फ्राई करते जाते हैं, क्योंकि हम बिल्कुल भी तेल वेस्ट नहीं होने देते हैं, क्योंकि फिश वाला तेल फिर हम यूज नहीं करते हैं इसके लिए। अभी 2 मिनट इसको अच्छे से होने देंगे, 2 मिनट के बाद इसकी साइड को हम चेंज करेंगे। और दूसरी तरफ हमने एक तवा रख दिया स्लो फ्लेम पर, तो उस पर हम फिश डालते जाएंगे इस तरह से फ्राई करके। तो 4 से 5 मिनट हम उस पर रहने देंगे तो एकदम क्रिस्प हमारी फिश बनकर तैयार हो जाएगी, दिखाएंगे आपको। तो इसको 2 मिनट हो चुके हैं, एक फिश हमने साइड को चेंज कर दिया, आप देख सकते हो साइड हम चेंज कर लेंगे, ये देख सकते हो आप। और गैस को हमने मीडियम फ्लेम पर ही रखा है, मीडियम फ्लेम पर इसको अच्छे से हमको होने देना है, फिश हमारी बहुत अच्छे से अंदर तक का फ्राई होना चाहिए। और भी तेल हमें इसके अंदर ऐड कर दिया है, इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा करके तेल ऐड करते जाते हैं और फिश को फ्राई करते हैं। तो आप देख सकते हो 2 मिनट हो चुके हैं इसको इस साइड से भी, और हमारी फिश बहुत अच्छे से हो चुकी है दोनों साइड से, आप देख लीजिए। अभी हम इसको निकाल देंगे, दोनों साइड से बहुत अच्छे से हो चुकी है, आप देख सकते हो। और हमारी फिश का मसाला बिल्कुल भी छूटता नहीं है, आप एक बार इस तरह से ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, ये देख सकते हो आप। तो आप देख सकते हो इस तरह से हम इसको तवे के ऊपर हमने स्लो फ्लेम पर रखा था, हम हमेशा इसी तरह से रखते हैं। आप मेरे कोई भी फिश का वीडियो देख लीजिए तो एकदम क्रिस्प फिश बनकर तैयार हो जाती है। स्लो फ्लेम पर 4 से 5 मिनट आप इसको रहने दीजिए और आप देख सकते हो दोनों साइड से हमारी फिश एकदम क्रिस्प बनकर तैयार हो जाती है, देख लीजिए आप। इसका मसाला भी बिल्कुल नहीं छूटता है और एकदम क्रिस्प फिश हमारी बनकर तैयार हो जाती है, आप देख सकते हो सभी फिश हमारी इसी तरह की एकदम क्रिस्प बनकर तैयार हो चुकी है। तो हम हमेशा इसी तरह से फ्राई करते हैं चावल का आटा लगा कर ही, तो बेस्ट रिजल्ट आता है चावल के आटे से, तो हम इसी तरह से हमेशा फ्राई करते हैं। एकदम ईजी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करें, आप ज़रूर से ट्राई करके देखिएगा। अभी हम आपको सर्व कर दिखाएंगे, ये लीजिए बनकर तैयार है क्रिस्प फिश फ्राई, आप घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए फ्रेंड्स, बहुत इजी तरीके से हमने आपको दिखाया है, बहुत क्रिस्प बनकर तैयार हो जाती है, एक बार तो ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। तो हमारी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, हमारी रेसिपीज़ की वीडियो आपको पसंद आते हैं तो आपके फैमिली और फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हमसे इसी तरह से जुड़े रहिए, हमें इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ इंशाल्लाह, तब तक अपना और अपने फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए, हमें अपने दुआओं में याद रखिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।